पीएम नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में बहुप्रतीक्षित काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के लोकार्पण की तैयारी शुरू हो गई है। वाराणसी के काशी विश्वनाथ कॉरिडोर को इस महीने के आखिरी दिनों में कुछ वक्त के लिए बंद रखा जाएगा। इस दौरान कॉरिडोर को फिनिशिंग टच देकर इसे लोकार्पण के लिए तैयार कराया जाएगा। माना जा रहा है कि आचार संहिता लगने से पहले पीएम नरेंद्र मोदी खुद काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का लोकार्पण करेंगे और इसके बाद इसे दर्शनार्थियों के लिए खोल दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश के तमाम इलाकों में टमाटर की कीमतों में तेजी से इजाफा देखने को मिल रहा है। थोक बाजार में जहां टमाटर की कीमत 50 से 60 रुपए के आसपास है, वहीं फुटकर बाजार में इनकी कीमत 80 से 100 रुपए के बीच पहुंच गई है। टमाटर की बढ़ती कीमतों को देखते हुए व्यापारियों ने इसके पीछे तमाम वजहों को बताया है और ये कहा है कि जल्द ही इनके दाम कम हो जाएंगे और लोगों को राहत मिलेगी। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव से पहले अखिलेश यादव ने छोटे दलों से गठबंधन की तैयारी शुरू कर दी। मंगलवार को राष्ट्रीय लोकदल के नेता जयंत चौधरी से मुलाकात के बाद अखिलेश यादव ने बुधवार को अपना दल की नेता कृष्णा पटेल से मुलाकात की। इसके अलावा अखिलेश ने लखनऊ में आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह और विधायक दिलीप पांडे से भी भेंट की। माना जा रहा है कि समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय लोकदल के अलावा आम आदमी पार्टी से भी उत्तर प्रदेश में गठबंधन कर सकती है। रायबरेली से कांग्रेस पार्टी की विधायक और एक जमाने में राहुल गांधी की बेहद करीबी रही अदिति सिंह ने बुधवार को भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ले ली। लखनऊ के भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में अदिति को प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने पार्टी में शामिल कराया है। कांग्रेस पार्टी में रहने के दौरान अदिति लंबे समय से अपने ही दल के खिलाफ मोर्चा खोले हुए थी। लंबे वक्त से उनके भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के कयास भी लगाए जा रहे थे। माना जा रहा है कि अदिति आने वाले विधानसभा चुनाव में बीजेपी के टिकट पर दावेदारी करेंगी। समाजवादी पार्टी के प्रमुख और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने बुधवार को किसान आंदोलन को लेकर एक बड़ा ऐलान किया। अखिलेश यादव ने कहा कि अगर उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार सत्ता में आती है तो किसान आंदोलन में जान गंवाने वाले लोगों के परिवार को 25 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। अखिलेश यादव ने यह भी कहा कि किसान अन्नदाता होता है और उसका सम्मान सभी की जिम्मेदारी है।